ठीक है, थोड़ा बहुत मार्क्स कम भी चला लेना फिर तुम, मेरे को क्वेश्चन मत करना सर इतना क्यों दिया। ठीक है देखो मैं तुम्हारे सब चीजें चला लूंगा, मैं मार्क्स देता हूँ वो भी फिर आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर मुझे मत बोलना। 18th, मैं क्या ना हर क्लास से पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे पता रहता है कितने बच्चे क्लास में वीडियो ऑन करके बैठे, बीच बीच में मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्लासरूम के लीडर बोर्ड वाले मार्क्स या एग्जाम के मार्क्स? दोनों दोनों, जब मैं पेपर करेक्ट करता हूँ ना तो जिनका वीडियो ऑन रहता है ना क्लास में उनके लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, नहीं यार ये बच्चे सिंसियर है, थोड़ी गलती हो गई तो इनको माफ भी कर सकता हूँ। इनका वीडियो ऑफ रहा है मुझे लगता है। 21 और 22 भी ऐड कर दो ना। ठीक है 22 और 23। The 23 मुझे क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा है। ठीक है देख लेते हैं ना। 21 और 22 और सर 18। ठीक है डाला 18 हो गया। 18 था। चलिए चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। समय काफी कम बचा। 15 और 16 भी। अरे मेरे भाई पहले ये तो कर लूं यार, ये कर लूं क्या? यस सर। ड्रिल 4 कर दूं? 4 कर लेते हैं पहले। चलो 18 19 देख लेते हैं। 18 क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस? भाई x - 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2013 का स्क्वायर, x की वैल्यू बताओ जो इसको सैटिस्फाई करेगी। तो अरे बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार ये तो, इसको इधर ले जाओ ना आप, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दो ना, x - 13 - 2013, x - 13 + 2013, x - 2016 इंटू एक्स प्लस 2000, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? 2016 और माइनस 2000 आ जाएगी। क्या आवाज एकदम कम आ रही है? हमारे नेट का इशू है तो मेरे को एकदम परफेक्ट आ रही है। चलो 18th हो गया। 19th देखो अब। 19th आइडेंटिफाई द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अरे यार तुम लोग 19th की दो पूछ रहे हो मुझसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो ना आप। 4z square minus 15z pi, pi तो एक constant है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 pi square, तो 4 into 4 pi square कितना हो गया? 16 pi square हो गया, ठीक है ना? इसको 15 में कैसे convert करेंगे आप? अच्छा, 4z square minus 4 pi square और 15 pi z लिखा है, अच्छा, कोई बात नहीं, तो ये convert हो जाएगा 4z square minus 16z pi plus z pi minus 4 pi square। तो पहले दो में से मैं 4z कॉमन निकालता हूँ, बचेगा क्या? z माइनस 4 पाई। नेक्स्ट इसमें से क्या करता हूँ, पाई कॉमन निकालता हूँ, तो z माइनस 4 पाई बच गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? 4z प्लस पाई इंटू z माइनस 4 पाई। तो यहाँ से क्या पता चल गया, z की वैल्यू या तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगी या z की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी। तो दो आंसर आ जाएंगे आपके पास। 19 भी हमने आपका कर लिया है। अब 21 देख लो आप, कुछ कुछ का डाउट है अगर तो। क्या बोल रहा है? px is a polynomial satisfying p of x plus 3 by 2 is p of x and for all the real values of x. If p of 5 is 2010, what is the value of p of 8? अच्छा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखो p of x plus 3 by 2 जो है वो p of x के बराबर है, ठीक है ना? मतलब अगर x plus 3 by 2 मैं करता हूँ वो x के बराबर ही आता है। p of 5 कितना है मेरे पास? 2010 है, तो p of 8 कितना रहा होगा आपको बताना है। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं इधर, p of 5 बनाने के लिए क्या मैं x की जगह 7 by 2 ऐड कर दूं क्या? Yes sir। 7 by 2 ऐड कर दूं क्या? देखो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू से। देखो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, अगर मैंने x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो p ऑफ 3 बाई 2 क्या आ जाएगा? p ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है? और क्या क्या बोल सकते हैं अपन, अगर x की जगह मैंने x की जगह मैंने 0 रख दिया तो p ऑफ 3 बाई 2 p ऑफ 0 हो गया। फिर मैंने मान लेते हैं x की जगह 1 रख दिया या x की जगह मैंने 3 बाई 2 रख दिया तो p ऑफ क्या आ गया यहाँ पे? 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्या? p ऑफ 3 इज p ऑफ 3 बाई 2, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? यस सर। नेक्स्ट तो यहाँ से क्या सीखने मिला अपने को? Yes, sir. अपने को सीखने मिला कि p ऑफ 0 जो है वो p ऑफ 3 के बराबर है। मतलब हर हर डेढ़ के बाद आंसर वही मिल रहा है।
अब देखो और एक चीज करो, मान लो x की जगह आपने यहाँ पे रखा, एक काम कर लो, अब रखो यहाँ पे 5 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 7/2 करना पड़ेगा, तो p ऑफ 5 इज p ऑफ 7/2, ठीक है। अब यहाँ 7/2 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 4/2 था, उससे बड़ा 5 है, अब 5 से बड़ा क्या आ जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी 13/2, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ इसके बाद, देखो मान लो x की जगह मैंने 5 रख दिया, तो पता चल गया p ऑफ 5 इज इक्वल टू p ऑफ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 + 3, 13/2। मैंने क्या कर दिया, x की जगह रख दिया 13/2, तो पता चल गया p ऑफ 13/2 कितना है, p ऑफ 13/2 + 3/2, p ऑफ 8। तो देखो यहाँ से पता चला, ये मान लो एप्पल है, ठीक है ना, 5 एप्पल के बराबर है, और ये 13/2 एप्पल है तो 8 भी एप्पल होगा। तो क्या पता चला, p ऑफ 5 किसके बराबर है, p ऑफ 8 के बराबर है, p ऑफ 8 कितना आ जाएगा, 2010 आ जाएगा, ठीक है ना। श्योर समझोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसको अपन क्या करते हैं, 1.5 गिन लेते हैं, ये 1.5 लिखा है। अब x की जगह मैंने क्या करा, 0 डाला, तो पता चला p ऑफ 1.5 इज p ऑफ 0। फिर x की जगह मैंने 1.5 डाला, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू p ऑफ 1.5, समझ आया। फिर मैंने x की जगह 3 डाल दिया, तो x ऑफ 4.5, p ऑफ 4.5 p ऑफ 3 के बराबर आएगा। फिर x की जगह अगर मैंने 1.5 डाला, फिर 3 डाला, फिर अगर मैं 4.5 डालूं, तो क्या पता चलेगा, p ऑफ 6 विल बी इक्वल टू p ऑफ 4.5। तो सारे रिलेशन आप बना सकते हो x की अलग अलग वैल्यूज डाल के। हमने क्या करा, हमने ऐसा डाला जिसमें मुझे p ऑफ 5 p ऑफ 8 के बराबर मिले। तो 5 के लिए मुझे इधर साइड क्या डालना पड़ेगा, 3.5 डालना पड़ेगा ना, 3.5 डालना पड़ेगा ना इसके अंदर, और डेढ़ में 3.5 डालोगे तो 5 मिलेगा ना। तो पता चला p ऑफ 5 इज p ऑफ 3.5। इज इट क्लियर? यस सर। श्योर? इसको नोट कर लेना सर। इसके आगे कैसे करा, फिर और ऐड करते गया, भाई 5 डाल दिया एक बार मैंने x की जगह पे, ठीक है, तो 5 वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7.5, 5 आपके आ गई 6.5 के बराबर। x की जगह हमने क्या रख दिया, 5, तो p ऑफ 6.5 इज p ऑफ 5, समझ आ रहा है इसके अंदर। फिर मैंने और डेढ़ बढ़ा के रखा, तो p ऑफ 8 इज p ऑफ 6.5, समझ आ गया, 5 6.5 के बराबर है, 6.5 8 के बराबर है, तो खत्म, 5 8 के बराबर आ गया, ठीक है ना। यस सर। श्योर? ठीक है ना। अब आपका जो नेक्स्ट ओलंपियाड ड्रिल है उसको नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, 4:15 से तो दूसरा क्लास ज्वाइन हो गए लोग, ठीक है। तो ये जो आपके डाउट्स है इसको मैं लिख के रखता हूँ, आपको फिर से नहीं भेजने पड़ेंगे, ठीक है ना, इसको मैं सेव करके रखता हूँ, ठीक है। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर सर। थैंक यू सर, बाय सर, रिटेस्ट ऑफ द रोटा, बाय सर, थैंक यू सर। अरे भाई तुम ग्रुप पे चेक कर लेना, तुमको सारा ग्रुप पे इंटीमेशन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। वो वर्बल कम्युनिकेशन, बाय सर, थैंक यू सर, मैसेज दियो इन द ग्रुप, ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर, बाय।